कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एयरफोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी पे जोरों शोरों से तैयारियाँ आप लोग कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आपको समझ आ रही हैं, और जो नहीं आ रहा है आप लोग डिस्कशन करके वो सारी चीज़ें सॉल्ट आउट कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? लास्ट क्लास में जो डिस्कस हमने किया था वो किया था टेंस के ऊपर, और टेंस में पहला टेंस हमने जो कंप्लीट किया वो था हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टेंस का सेकेंड पार्ट, जो कि है पास्ट टेंस। प्रेजेंट के बाद आता है पास्ट टेंस, मतलब कि भूतकाल। भूतकाल देखिए, पास्ट टेंस की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो है हमारी क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये कहाँ कहाँ लगानी है? देखिए, मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ, कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ जो आपको सेंटेंस में कभी भी दिख जाएंगे, तो वो आपका जो टेंस होगा वो पास्ट टेंस में ही बात की जा रही होगी। जैसे अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, या वीक की जगह पे ईयर लिखा हो या ईयर की जगह पर मंथ लिखा हो, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस आपको बीती हुई बातें बताएंगे, तो उन सारी जगहों पर आप लोगों को क्या यूज करना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप यूज करेंगे। किसके साथ में? आपके सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात आपको मैं और बता दूं जो आपको कहीं पर भी दिख जाए, क्या वो ये कि आपको, देखिए, आपको डू, डस और डिड, ये तीन वर्ड जहां पर भी दिखें, इन तीनों के साथ हमेशा और हमेशा हमें यूज करनी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कहां पर डू लगेगा, कहां डज लगेगा, कहां पर डिड लगता है, तो मैं आपको बता देती हूं। देखिए, ये जो डू और डज होता है हमारा, तो डू और डज यूज किया जाता है बेटा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कब? जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य, और कब? जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। डू यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब हम लोग बात करते हैं डिड की। डिड कहाँ पर यूज होता है? तो डिड यूज होता है आपके पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। कब? जब आप नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं तब। और जब कभी भी डिड आपको दिख जाएगा तो डिड के साथ हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होगी आपके डिड के साथ। और जब भी आपको दिखे कोई भी सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी बात की जा रही है, सिंपल पास्ट टेंस मतलब कोई सिंपल पास्ट टेंस में जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, आप उसमें हमेशा यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप बताइएगा कि वहां पर आपको क्या आना चाहिए। देखिए, मैं लिखती हूँ, तो ये मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है? लास्ट वीक व्हेन आई रीच रविंद्रास हाउस, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। ये एक एरर डिटेक्शन मतलब कि फाइंड द एरर के फॉर्मेट में ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से किस पार्ट में आपको लगता है कि एरर होगी? 1, 2, 3, 4 या फिर नो एरर, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, क्या लगता है आपको? देखिए, जस्ट मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जब भी आप लोगों को लास्ट वीक, मंथ, ईयर, अगो, यस्टरडे इस टाइप के वर्ड्स दिखते हैं, तो वहां पर आपको इन सबके साथ हमेशा क्या यूज करना होता है?
सेकेंड फॉर्म आपको यूज करनी है वर्ब की। अब यहां पर क्या यूज हो रहा है, यहां पे लिखा गया है आई रीच। रीच क्या है, रीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीच की जगह पे आना चाहिए था रीच्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसलिए एरर किस पार्ट में होगी आपके, सेकेंड पार्ट में। ठीक है, एक और सेंटेंस में लिखती हूँ, आप उसमें जरा देखकर मुझे बताइएगा। ओके, तो ये मैंने एक सेकेंड सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। इट इज टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट्स एंड नो एरर। अब किस पार्ट में आपको लगता है एरर होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में दो फॉर्मेट, मतलब सेंटेंस के स्टार्ट होने से पहले आपको कहीं पर भी इट इज टाइम दिख जाए या फिर इट इज हाई टाइम दिख जाए, इट इज टाइम दिख जाए या फिर आपको सेंटेंस में इट इज हाई टाइम दिख जाए, तो आपको आगे का जो भी सेंटेंस होगा उसको आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब कि पास्ट टेंस में आपको उसे कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज टाइम वी डिड समथिंग। अगर आपको टेंस पक्का पार्ट वन जो आप लोग को पढ़ाया गया है उसमें अगर आपको याद हो तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को वर्ब की पांच फॉर्म्स बताई थी, जिसमें डू, डूइंग एंड डज बताया था। तो ये थी हमारी वी वन, ये है हमारा वी टू, ये है हमारा वी थ्री, दिस इज वी फोर एंड दिस इज वी फाइव। तो यहाँ पे अगर ये जो डिड लिखा हुआ है ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे लिखा होता आपका डू या डन या डूइंग या डस कुछ भी डिड के अलावा, तो आप इसको चेंज कर देते कि इसमें सेकेंड फॉर्म वर्ब की जो कि है डिड। तो डिड यहाँ क्योंकि लिखा हुआ है इस वजह से ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर है। तो ये हमारा पास्ट टेंस का एक जिस्ट था, एक इसकी थीम थी, जो आपको अगर इतना समझ आ जाएगा तो आगे के जो भी छोटे छोटे से रूल्स हैं उसे आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं हमारे जो बेसिक रूल्स हैं उसकी तरफ वापस चलती हूँ। देखिए, तो हमने स्टार्ट किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने स्टार्ट किया है। अब क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस आपका वही लिखा है इन दिस टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, वी टू आपको यहां पर यूज करना है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड एट अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट। मतलब कोई भी आपका ऐसा एक्शन, कोई भी आपका ऐसा मूवमेंट या कोई भी ऐसा काम आपका जो आपने पास्ट यानी कि बीते हुए किसी भी समय में किया है, तो वो सारे भावों को व्यक्त करने के लिए आप सब यूज करते हैं पास्ट टेंस। आप देखिए, हाँ, दूसरी चीज ये है कि सिंपल पास्ट में हमेशा आपको टाइम गिवन होगा। जैसे देखिए, आई वेंट टू सिनेमा यस्टरडे। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि ये वर्ड अगर दिख जाए तो सीधे सीधे पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। इस वजह से हमने यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज किया है। उधर देखते हैं, शी केम हेयर टू डेज अगो। अगो फिर से हमें दिख गया और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जब अगो दिख जाएगा तो उसका क्या मतलब है कि हमें सिंपल पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। दैट इज वाई केम यहाँ पर यूज किया गया है। बहुत इजी रूल था जो हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा है, एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है। लेट्स मूव फर्दर। देखिए, डज
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि काम का कंप्लीट होना पाया जाता था, कल ही हमारे टेंस के पार्ट वन में हमने ये चीज पढ़ी, बट उसमें टाइम गिवन नहीं होता था। अब यहाँ क्या है कि पास्ट पर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अगर हम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को मतलब उसमें टाइम का मिक्सअप कर देंगे तो इज इक्वल्स टू वो क्या बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। देखिए इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस ओल्ड हैबिट्स। हमने पार्ट वन टेंस में ये पढ़ा था कि कोई भी नॉर्मल जो आपकी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जनरली कोई भी नॉर्मल बात की जा रही हो जो आपका रोज का काम है तो उसमें हमेशा आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे भी कोई हैबिट वर्ड आ गया है लेकिन ओल्ड हैबिट, आपकी कोई भी पुरानी आदत जब भी दिखाई जाएगी तो वहाँ पे आप हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। जनरली क्या कौन से वर्ड्स दिख जाएं, यूज्ड टू, ऑलवेज, जनरली, नॉर्मली, रेयरली, ऑफन, ये सारे वर्ड्स दिख जाएं और इनके साथ जो काम हो रहा हो वो काम कौन सा हो रहा हो, वो कोई ऐसा काम हो रहा हो जो आपकी कोई पुरानी बात को बताता है। देखिए ही यूज्ड टू कम हिज होम एवरी वीकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो अभी अभी बोला है कि हमें सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, मैंने कहा है जो कि बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है हमें सिंपल पास्ट टेंस में। जब कभी भी ये आपको यूज्ड टू वर्ड दिख जाए, मतलब यूज्ड टू कर आपने, मतलब आप ऐसा आप किसी भी चीज़ के आदि हो या आप उसको करते हो हमेशा, आपकी आदत है, कोई पुरानी आदत है, तो यूज्ड टू के साथ हमेशा आप यूज कर दोगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैं पर्टिकुलर दिस मतलब ये पर्टिकुलरली मैं यूज्ड टू वर्ड के लिए ही आपको बता रही हूँ। ठीक, नीचे आइए। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ, मैंने आपको पीछे बताई ये बात कि जब आपका सेंटेंस स्टार्ट हो इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, मतलब ये तीन चीजें जब भी आपको दिख जाएं, कौन कौन सी, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम एंड इट इज अबाउट टाइम, तो वहां पर आर ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब शुड फॉलो द सब्जेक्ट, मतलब कभी भी आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम दिख जाता है तो आपकी वर्ब कैसी रहेगी, आपकी वर्ब रहेगी सेकेंड फॉर्म में, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क। अब क्या बताया जा रहा है, अब आ गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड कॉन्टिन्यूअस मतलब कि आई एन जी फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्मेशन। देखिए इन दिस टेंस वॉज वर्ब, जैसे कल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम पढ़ करके आए थे कि हमें इस एम आर के साथ वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगानी थी। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है वॉज एंड वर्ब और इन दोनों के साथ आप लगा देंगे वर्ब की आई एन जी फॉर्म। इन अकॉर्डिंग्स टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, वॉज लगता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर लगता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब कल यानी कि टेंस पार्ट वन में आपको अगर याद हो तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के दो एक्सेप्शनल केसेस, दो अपवाद बताए थे कि हम हमेशा आई और यू को प्लूरल कंसीडर करते थे प्रेजेंट टेंस में। अभी पास्ट टेंस में हमें आई के साथ वॉज यूज करेंगे और यू के साथ हम यूज करेंगे वर। ये हो गया हमारा पास्ट टेंस का फॉर्मेशन। देखिए आई वर भी यूज किया जाता है बट आई वर हमेशा यूज किया जाएगा जब आप बात करोगे इमेजिनेशन में, कोई भी इमेजिनरी मतलब आपका कोई काल्पनिक वाक्य होगा, देन यू विल यूज आई वर। रूल क्या कहता है कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आई एन जी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वही आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो और उसके साथ आई एन जी लगा दिया, ये बन गया हमारा गोइंग। ये इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच वाज इन कंटिन्यूएशन इन द पास्ट,
ये ऐसे वाक्यों के लिए यूज किया जाता है जो कि भूतकाल में लगातार रहे हों, जैसे His son was shivering with cold yesterday. Yesterday मतलब कि जो कल हमारा बीत गया, बीते हुए रात उसका लड़का ठंडी की वजह से कांप रहा था. Shivering, shiver plus verb की ing form, और his son जो कि singular subject है इसलिए यहाँ आ गया हमारा was. Okay, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए क्या लिखा हुआ है. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ. देखिए कोई भी ऐसा, अभी तक आपने कोई भी ऐसा रूल या कोई भी ऐसा टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया या कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया जो आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा. ये सारी बातें आप बचपन से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हैं, वही है कि बस उसको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है. अगर आप इसको पढ़ रहे हैं आपको आता है, अच्छी बात है, बट नहीं भी आता है तो मैंने आपको जो पढ़ाया है ये आपके लिए बहुत इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट में आपको ये कवर कराया गया है. अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बताया गया है. हैड यूज होता है. कल यानी कि पास्ट में टेंस पार्ट वन की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि हम यूज कर रहे थे हैज एंड हैव विथ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करना है, हैड. कितना इजी है. प्रेजेंट में हैज हैव, पर प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड. हैज हम यूज करते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव हम यूज करते थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. अब यहाँ पे क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो आप इसको चाहे सिंगुलर के साथ यूज करें, आप इसको चाहे प्लूरल के साथ यूज करें, दोनों के साथ आपको हैड का ही यूज करना है. फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस मतलब आई एन जी फॉर्म, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म. हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती रहेंगी. अब देखिए कहां कहां पे इसका और कैसे कैसे यूज होता है. देखिए इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दोज एक्शंस विच हैव बीन कंप्लीटेड. परफेक्ट मतलब परफेक्शन, काम हो चुका है. बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. इन दिस टेंस वन एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर द वन स्टार्टेड. एक्चुअली इसमें परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में एक बात आपको देखने को मिलेगी. एक बात होती है कि दो कामों का होना पाया जाता है भूतकाल में ही. एक काम खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, या दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म हो चुका होता है. नहीं समझ आया. दो कामों का होना पाया जाता है भूतकाल में, वर्क वन एंड वर्क टू. अगर आपका देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको छोटी सी बात बताई. क्या बताई कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो कामों का होना पाया जाता है, वर्क नंबर वन एंड द वर्क नंबर टू. दो काम, एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है, या दूसरा खत्म होने से पहले पहला शुरू हो चुका होता है. तो फिर जो काम आपका पहले खत्म होता है, मतलब वर्क वन, जो काम पहले हो उसे आप कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में. और जो काम आपका बाद में होता है, बाद में होने वाला काम, इसको आप यूज चेंज करते हैं सिंपल पास्ट यानी कि इनडेफिनिट पास्ट इनडेफिनिट में. मतलब
जो काम आपका पहले होता है उसे आप चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम आपका बाद में होता है उसे आप चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में। अब कैसे? मतलब पास्ट परफेक्ट मतलब कि आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, पहले हुआ काम पास्ट परफेक्ट, बाद में हुआ काम सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये तो मैंने आगे का बात बता दिया। इसमें क्या लिखा था कि एक काम खत्म होता है, मतलब एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम शुरू होता है। जैसे had the tortoise reached the destination before the rabbit, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से ये हैड से स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसको अगर मैं आपके समझने के लिए एक सिंपल फॉर्मेट में लिखूं तो मैं लिख सकती हूं क्या, बहुत लाइट हो गया, मैं लिख सकती हूं द टॉर्टोइस हैड रीच्ड the destination before the rabbit, मतलब rabbit बाद में पहुंचे थे, पहले ही tortoise पहुंच चुके थे अपना उनका जो भी destination point था। तो मतलब एक काम खत्म हुआ, tortoise पहुंचे, उसके बाद rabbit, subject had third form। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर। यहां ये लिखा हुआ है कि इफ देयर आर टू एक्शंस इन पास्ट, पास्ट में अगर दो काम दिखें, द एक्शन हैपनिंग फर्स्ट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, द सेकेंड वन शुड बी इन पास्ट इनडेफिनिट, मतलब मैं पीछे भी आपको बता करके आई, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। जैसे यहां लिखा है द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही हैड रीच्ड देयर, मतलब इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो वो ये होगा कि उसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ उसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन पहले चली गई है और वो आया बाद में है, तो कौन पहले गया, पहले गई है ट्रेन, तो ट्रेन वाला सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, जबकि पीछे वो लिखा हुआ है सिंपल में, और वो यानी कि ही वो आया है बाद में, इसलिए ये किस में होगा, ये बनेगा सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हैड और थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे ट्रेन के साथ, और सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे उसके उसके यानी कि ही के साथ। अब यही लिखा हुआ है, देखिए क्या रॉन्ग सेंटेंस, मतलब ये गलत है, क्योंकि ट्रेन पहले चली गई और यहाँ पे इन्होंने ट्रेन के साथ यूज कर दिया है सिंपल पास्ट, जो कि गलत है, हमें ट्रेन के साथ यूज करना था परफेक्ट, और वो जो कि बाद में आया उसके साथ इन्होंने यूज किया है परफेक्ट, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब ये सही फॉर्मेशन लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच्ड देयर, कि उसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन क्योंकि पहले चली गई है इसलिए लगाया हैड और थर्ड फॉर्म, वो क्योंकि बाद में आया इसलिए ही के साथ लगाया सेकेंड फॉर्म रीच्ड। बहुत ईजी है, काम अगर आपका पहले हो, जो काम पहले होता है वो लगाना है हमें प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट में, और जो काम हमारा बाद में होता है उसे हमें लगाना होगा सिंपल पास्ट में। आगे देखते हैं, अब हमारा आ गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब आईएनजी हैड
और कल भी हमने हैज हैव को वर्क किया एनजी के साथ यूज किया था, तो यूज किया था क्या? बीन का. इन दिस टेंस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इज यूज्ड एंड आईएनजी इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हाइल मतलब सिंस और फॉर यहाँ पे यूज होता है. पार्ट वन में भी हम पढ़ कर किया है सिंस फॉर मतलब फिक्स्ड टाइम, आपका टाइम निश्चित होगा, और फॉर मतलब इनडेफिनेट टाइम, टाइम फिक्स नहीं होगा. वही फॉर्मेट यहाँ पर भी यूज किया जाएगा. क्या लिखा हुआ है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को दिखाने के लिए, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टिल सम टाइम इन द पास्ट. मतलब कोई ऐसा काम आपका जो पास्ट में ही किसी समय पे स्टार्ट हुआ होगा और पास्ट में ही किसी समय तक वो लगातार कंटिन्यू रहा होगा, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल देखिए, शी हैड बीन क्रैमिंग द सेम लेसन फॉर द होल डे यस्टरडे. यहाँ पे कॉमा डे के बाद आप लगाओ. अब देखो, मतलब कि वो बीते हुए दिन, कल जो दिन आपका बीत गया, वो लड़की कल पूरा दिन उसका जो लेसन था उसको क्रैम मतलब कि रटती रही थी. तो यहाँ पे क्या है, शी सब्जेक्ट हैड बीन हमें फिक्स है लगाना, वर्ब की आई एन जी फॉर्म, और फॉर द होल डे, पर्टिकुलर डे हमें नहीं बताया जा रहा है कि मंडे है ट्यूसडे है या कोई फिक्स डेट, कुछ नहीं है, इसलिए फॉर लगा दिया. और यस्टरडे तो हमें पता ही है पास्ट की बात हो रही है. ये कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours व्हेन हिज फादर केम. आप देखिए, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours व्हेन हिज फादर केम, मतलब उसके पापा के आने से पहले के 2 घंटे से वो खेल रहा था. अब मैंने क्या बताया आपको, जो काम पहले, मतलब वो पापा नहीं थे तब भी तो खेल रहा था ना, इसलिए हमने इसको बना दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पापा तो बाद में आए हैं इसलिए हमने इसको बना दिया सिंपल पास्ट में. टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही हैड बीन प्रिपेयरिंग द टेस्ट पेपर्स फॉर 2 days. मतलब द टीचर ने प्रिंसिपल को बताया कि वो अपना टेस्ट पेपर 2 दिनों से तैयार कर रहा था. तो वो 2 दिनों से तैयार कर रहा था, उसने तैयारी अपनी पहले से जारी रखी थी. टीचर ने जब देखा होगा कि आपने अच्छे से एग्जाम लिखा है या पेपर आपने अच्छे से सुना दिया है, तब तो हम जाकर के प्रिंसिपल को बताएंगे ये बात. तो प्रिंसिपल को मैंने बताया है बाद में, मतलब ये हो गया सिंपल पास्ट. और बच्चा तैयारी में जुटा हुआ था पहले से, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ फॉर और सिंस का यूज होगा, तो ऑब्वियसली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात की जा रही होगी. सिंपल है. आप देखिए क्या लिखा है यहाँ, ये बताया गया है कि द कंजंक्शन सिंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम. मतलब सिंस की जो बात की जा रही होती है, सिंस हमेशा यूज होता है प्रेजेंट के लिए, मतलब कोई ऐसा काम जो आपका अभी भी आपके साथ हो रहा हो. आगे क्या लिखा है, इट इज देयर फोर फॉलोड बाय अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. मतलब सिंस, देखिए सिंस के कोई भी ऐसी बात जो आपके साथ अभी तक हो रही है, अब जो बात, जो भी सेंटेंस आप सिंस के बाद बनाने जा रहे होगे, आप वो हमेशा बनाओगे सिंपल पास्ट टेंस में. और जो वर्तमान में काम आपके साथ हो रहा है जिसके साथ आप सिंस लगा रहे हो, वो आपका रहेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बाय प्रिसीडेड बाय सम फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल देखिए, तब आपको ये लाइन मेरी क्लियर होगी. जैसे लिखा हुआ है, ये तो गलत फॉर्मेशन, सही से हम देखते हैं फिर गलत पे आते हैं. मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट द स्कूल. मतलब अगर मैं इसको आपको हिंदी लेकर के समझाऊं तो इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि मेरे स्कूल छोड़ने के बाद
मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट द स्कूल. मेरे स्कूल छोड़ने के बाद आज तक बहुत सी चीज़ें हुई हैं. मेरे स्कूल छोड़ने के बाद आज तक बहुत सी चीज़ें हुई हैं. अब मेरे स्कूल छोड़ने के बाद, तो आपने स्कूल तो पास्ट में छोड़ा ना, इसलिए हम इसको सिंपल पास्ट में लेकर के आए. आई लेफ्ट द स्कूल. और आज तक बहुत सी चीज़ें हुई हैं, मतलब ये प्रेजेंट है ना, तो इस वजह से आपने आज तक के लिए सिंस यूज़ किया. और मैनी थिंग्स हैपेंड, हैव हैपेंड मतलब वो आप यूज़ कर रहे हो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में. मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट द स्कूल. अब अगर आप ये कर देते, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, मतलब अगर आप इसको भी प्रेजेंट में ले जाते या आप पहले वाले सेंटेंस को पास्ट में ले जाते तो गलत हो जाता. क्यों गलत हो जाता मैं बता दूं, क्योंकि सिंस डिनोट करता है प्रेजेंट इवेंट्स को, कोई ऐसी घटना जो आपकी पास्ट से जुड़ी हुई किसी काम का आज तक आप उसका भुगतान कर रहे होगे, देन यू विल यूज सिंस. एक और एग्जाम्पल देखिए. आई डिड नॉट सी यू सिंस यू रोट लास्ट, मतलब जब तुमने आखिरी बार लिखा तब से लेकर आज तक मैंने आपको नहीं देखा. अब यहाँ पे यूज किया गया है डिड नॉट, आज तक नहीं देखा, ये प्रेजेंट में चल रहा है जिसकी वजह से आप सिंस लेकर आए हो. तो दिस सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव नॉट सीन यू सिंस यू रोट लास्ट. नीचे देखिए लिखा हुआ है आई हैव नॉट सीन यू सिंस यू रोट लास्ट. समझ आई मेरी बात? मतलब कि सिंस आपका प्रेजेंट टाइम डिनोट करता है. सिंस जब भी आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपका जो भी काम प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा होगा, आप वो सेंटेंस चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. परफेक्ट में क्यों? क्योंकि वो काम आपका हो रहा है, मींस हो चुका है, आपके साथ बहुत सारी घटनाएं हो चुकी या आपने अभी अभी भी आप उसको देख नहीं रहे हो, इसलिए परफेक्ट. और जो काम आपका पास्ट से रिलेट कर रहा है, जिसे आप कनेक्ट कर रहे हो पास्ट के साथ में, दैट विल बी इन पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में. ठीक है, सिंपल था. आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगी. तो ये हमारा पास्ट टेंस में यहाँ पे ख़त्म होता है. बहुत शॉर्ट में, और शॉर्ट में जितनी चीज़ें हो सकती थी जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी गई हैं. तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट मत रहने दीजिए. मैंने आज पास्ट पढ़ाते पढ़ाते कल पार्ट वन टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस का भी पूरा रिवीजन आपको करा दिया गया है. क्यों? क्योंकि मैं चीज़ों को कनेक्ट करके, रिलेट करके आपको पढ़ा रही थी. जब इनडेफिनिट पढ़ाया तो प्रेजेंट को भी मैं लेके गई, वहाँ पे हम डू डज यूज़ कर रहे थे. जब कंटिन्यूअस पढ़ाया तो मैंने आपको वॉज वर्ब के साथ ये भी बता दिया कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में आप इज एम आर यूज़ करते हैं. जब मैंने आपको परफेक्ट बताया तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव और हैज़ हैव में क्या एक्सेप्शनल क्या नहीं, हैज़ सिंगुलर, हैव प्लूरल, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको कोरिलेट करके पढ़ाई गई हैं. तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. कल हम लोग यानी कि पार्ट थ्री टेंस में हम अपना फ्यूचर टेंस ख़त्म कर लेंगे और इसी के साथ हम टेंस की प्रैक्टिस भी ख़त्म कर देंगे. ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस. बहुत जल्दी हम लोग लाइव आ करके आपकी जो भी चीज़ें, आपके आर्टिकल टेंसेस जो भी चीज़ें मैं ख़त्म कर दूंगी, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी. तो अपनी प्रिपरेशन आप लोग जारी रखिएगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो.